हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड माय यूट्यूब चैनल मेडिको अड्डा पर आपका स्वागत है। गैस, यदि आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी है तो आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी। एंड आगे भी मैं कोशिश करता रहूँगा कि ऐसी ही इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट वीडियोज़ जो वो आपके लिए लाता रहूँ। तो गैस, यदि हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। और आज का जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए गैस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं जो राजस्थान आयुष काउंसिलिंग 2020 है, उसमें यानी कि राजस्थान आयुष बोर्ड ने एक नोटिस है वो रिलीज़ किया है, और उसमें कुछ जो कॉलेज है जो 2020 में पार्टिसिपेट कर रही है उन कॉलेज के बारे में बोला है कि कौन कौन से कॉलेज जो है वो 2020 में पार्टिसिपेट करने वाले हैं एंड कितनी जो टोटल सीट है वो इंक्रीज हुई है या फिर नहीं। तो इन सब के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं और इनका जो कट ऑफ पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो गाइस, वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाले है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखें। ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देर किए। हेलो दोस्तों, अब बात करते हैं अपन जो राजस्थान आयुष काउंसलिंग 2020 है उसमें यानी कि कौन कौन सी कॉलेज जो है वो 2020 में पार्टिसिपेट करने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन आयुर्वेदिक कॉलेज की, क्या आयुर्वेदिक कॉलेज में कौन कौन सी कॉलेज है जो कि पार्टिसिपेट करने वाली है काउंसलिंग 2020 में। तो सबसे पहले जो कॉलेज आ जाती है वो आती है यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आयुर्वेदिक, जो कि जोधपुर में है, और इसमें यानी कि टोटल सीट है 106, और यानी कि ये गवर्नमेंट कॉलेज है तो यानी कि जाहिर सी बात है कि ये काउंसलिंग 2020 में भाग लेने वाली। दूसरी है ट्रिपल एम गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज जो कि उदयपुर में, ये भी एक गवर्नमेंट कॉलेज है और इसमें 62 सीट है और ये भी यानी कि 2020 में पार्टिसिपेट करने वाली। श्री बनवार लाल आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज जो कि 51 सीट है और ये वेटिंग में, और ये एक प्राइवेट कॉलेज है। पंजाब आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज जो कि श्रीगंगानगर में, उसमें 51 सीट है, ये भी वेटिंग में और ये भी एक प्राइवेट कॉलेज है। शेखावटी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज जो कि झुंझुनू में, इसमें 51 सीट है और ये भी वेटिंग में है। शिरडी साई बाबा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, इसमें 42 सीट है और ये भी वेटिंग में है और ये भी एक प्राइवेट कॉलेज है। ओके गाइस, सेवन नंबर की जो कॉलेज है वो है काला आश्रम आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज जो कि उदयपुर में है और इसमें यानी कि 51 सीट है जो कि अभी वेटिंग में और ये भी एक प्राइवेट कॉलेज है। महात्मा ज्योतिबा फूले आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज जो कि चौमू जयपुर में, इसमें 75 सीट है और ये भी वेटिंग में है। केशव आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल अकलेरा जो कि झालावाड़ में, इसमें 51 सीट है, ये भी वेटिंग में, ये भी एक प्राइवेट कॉलेज है। श्रीगंगानगर कॉलेज ऑफ आयुर्वेदिक जो कि श्रीगंगानगर में, इसमें 51 सीट है, ये भी अभी वेटिंग में, ये भी एक प्राइवेट कॉलेज है। ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जिसकी यानी कि 17 सीट है और ये भी अभी वेटिंग में। ओके गैस, तो यहाँ से आयुर्वेद की जो टोटल सीट की बात करें तो वो है 608, तो 608 टोटल एन की सीट है और एन की 11 कॉलेज है जिसमें से 2 गवर्नमेंट है, बाकी 9 जो कॉलेज है वो यानी कि प्राइवेट है। आगे बात करते हैं यूनानी कॉलेज की, यूनानी कॉलेज यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ यूनानी टॉक जिसमें यानी कि 53 सीट है और ये यानी कि 2020 में पार्टिसिपेट करने वाली है। राजपूताना यूनानी मेडिकल कॉलेज जो कि जयपुर, इसमें यानी कि 42 सीट है और ये अभी वेटिंग में चल रही है, और टोटल यूनानी की अगर सीट बात करें तो वो है 95, कितनी है 95। आगे बात करते हैं होम्योपैथी कॉलेज की, कि होम्योपैथी कॉलेज में कौन कौन सी जो कॉलेज है वो पार्टिसिपेट करने वाली है। तो यहाँ से देख सकते हो होम्योपैथी कॉलेज की, स्वास्थ्य कल्याण होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज जो कि जयपुर में है और इसमें 75 सीट है और यानी कि ये भी यानी कि 2020 जो काउंसलिंग है उसमें पार्टिसिपेट कर रही है। मांगीलाल निर्वाण होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज जो कि बीकानेर, 64 सीट है और ये भी यानी कि काउंसलिंग 2020 में पार्टिसिपेट कर रही है। युवराज प्रताप सिंह मेडिकल कॉलेज जो कि अलवर में, 64 सीट है लेकिन अभी ये वेटिंग में है। भारतीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज जो कि भरतपुर में, 34 सीट है लेकिन अभी ये भी यानी कि वेटिंग में है। आरोग्य होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज जो कि जयपुर में, 51 सीट है लेकिन अभी ये वेटिंग में है। एमपी होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज जो कि जयपुर में, 75 सीट है और इसको परमिशन है कि ये काउंसलिंग 2020 में पार्टिसिपेट करने वाली है। श्रीगंगानगर कॉलेज ऑफ होम्योपैथी यूनिवर्सिटी श्रीगंगानगर में, 75 सीट है और ये भी यानी कि काउंसलिंग 2020 में पार्टिसिपेट कर रही है। अंडर फैसिलिटी ऑफ होम्योपैथी साइंस ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स होम्योपैथी यूनिवर्सिटी जिसमें 13 सीट है और ये अभी वेटिंग में है।
माधव होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज जो कि अब्बू रोड, यानी कि ये इसमें 75 सीट है, लेकिन अभी ये भी वेटिंग में। तो ओके गाइस, एंड टोटल सीट की अगर इसकी बात करें तो वो है 526। ओके गाइस, नेक्स्ट बात करते हैं जो नेचुरोपैथी की है उसमें कौन कौन सी कॉलेज है एंड कितनी सीट है। ओके गाइस, तो यहाँ से बात करते हैं BNYS की। तो BNYS में विवेकानंद नेचुरोपैथी यानी कि योगा कॉलेज जो कि सीकर में, और उसमें इनकी 50 सीट है, और यानी कि ये भी यानी कि काउंसलिंग 2020 में पार्टिसिपेट कर रही है। ओम शिव जो कॉलेज है चित्तौड़ में, और इसमें यानी कि 40 सीट है, और ये भी यानी कि काउंसलिंग 2020 में पार्टिसिपेट कर रही है। स्वास्थ्य कल्याण इंस्टीट्यूट नेचुरोपैथी जो कि जयपुर में, इसमें 50 सीट है, और ये भी यानी कि काउंसलिंग 2020 में पार्टिसिपेट कर रही है। SLBS योगा एंड नेचुरोपैथी कॉलेज जो कि जोधपुर में, 50 सीट है, और ये भी काउंसलिंग 2020 में पार्टिसिपेट कर रही है। शेखावटी इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी योगी सांस जो कि जयपुर रोड सीकर पे है, यानी कि ये भी 100 सीट है इसमें, और ये भी काउंसलिंग 2020 में पार्टिसिपेट कर रही है। और दूसरी कॉलेज है जो कि सीकर में BNYS, यानी कि इसमें 100 सीट है, और ये भी काउंसलिंग 2020 में पार्टिसिपेट कर रही है। तो राम कुमारी कॉलेज है जो कि झुंझुनू में है, इसमें 100 सीट है, लेकिन अभी ये वेटिंग में। तो टोटल जो कि योगा कॉलेज है BNYS कोर्स के लिए जो टोटल सीट है वो 490, लेकिन इसमें आपको नीट की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें आपको बिना नीट के भी एडमिशन मिल जाएगा। ओके गाइस, तो BNYS जो कोर्स है उसके लिए नीट की अनिवार्यता नहीं है, आपके नीट नहीं होगी तो भी आपको ये कोर्स मिल जाएगा। तो गाइस, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक करना एंड ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास शेयर करना, यानी कि उनको भी पता लग जाए कि कौन कौन सी जो कॉलेज है वो यानी कि 2020 में पार्टिसिपेट कर रही है। तो गाइस, यदि हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें, और आगे भी आपको इस चैनल पर ऐसे ही काउंसलिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलते रहेंगे। दोस्तों, अगर काउंसलिंग से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वहाँ पर भी आपका सॉल्यूशन नहीं होता है तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहाँ पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। तो ओके गाइस, तो थैंक यू एंड गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।